ये देखो हमारे घर की गौ माता गौरी लक्ष्मी कान्हा, और ये बछड़ा जन्मा उस दिन घर के बाहर ही जन्मा है, यहीं पे घर के बाहर है ये जन्मा है। तो अभी अभिषेक भाई आ रहे हैं, तो उनके साथ कहीं जाना है, बताता हूँ क्या सरप्राइज़ है। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? हेलो नमस्ते, जय जोहर, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। गाय वाय रहता है ना घर में तो वाइब्स अच्छा रहता है घर में। तो गाड़ी तो ज़्यादा गंदी नहीं है, हाईवे पूरा था, चला था, तो ज़्यादा गंदी नहीं हुई, लेकिन मज़ा आ गया कल राइड करके। तो उसी का बस वीडियो एडिट कर रहा था, तो शाम तक पोस्ट होगा शायद। अब ओहो भाई, ये रेनॉल्ट क्यूट है क्या? हेलो रेनॉल्ट की क्यूट ले लिए क्या? हाँ भाई, अपन गरीब। ऋषभ, अभिषेक, यो चलो पीछे। कैसे सोनेट से इधर? सोनेट वाले भी बोर कर दिए थे, जनवरी से बुकिंग है, मई आ गया, दे ही नहीं रहे थे गाड़ी। अच्छा, उसके बाद उसका रेट 80,000 रुपए बढ़ गया सोनेट का। हाँ, तो उसका एक शोरूम रेट ज्यादा हो गया, TCS से सर लग रहा था। ठीक ठीक, गाड़ी 12.5 लाख की हो गई थी, हर चीज से महंगी पड़ रही थी। तो क्विड उठा लिए, सॉरी कागर उठा लिए। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आपके लिए क्विड है, आपको की पावर दिखाते हैं। अच्छा लग रहा है यार। भी है, निकाल के बैठ जा आराम से। देखो रेयर चार्जिंग भी दिया हुआ है। चार्जिंग मैं आ गया था भैया के घर में, आ गए हैं। मैटिंग आई नहीं, कंपनी से ऑर्डर दिया हुआ हूँ। तो कंपनी के बाहर लगवा लो ना, लेमिनेशन करवाया हूँ ना, नीचे लेमिनेट हुआ हुआ है। अच्छा, लेमिनेट वाला है। हाँ। अभी जो बैठा हूँ ना, पीछे बैठा था और सामने सेम लग रहा है मुझे। बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा, इसमें 3D सराउंड साउंड दिया हुआ है, आर्किमिडीज का 3D साउंड है, 8 स्पीकर है। आवाज सुनो आप, और ये फुल टच स्क्रीन, वो भी वायरलेस है, मतलब आपको फोन ऐसे वायर से कनेक्ट करना पड़ता है बड़ी कारों में ज्यादा। हाँ। इसमें वायरलेस दिया हुआ है। सही सही। अच्छा, ग्लोव बॉक्स हुआ है नीचे, कूल वाला है क्या? नीचे वाला कूल है। कूल है, अरे वाह यार, और क्या चाहिए, इतना फीचर दे दिया। फॉल्ट में कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाया। What you know about rolling freeze when these people talk too much? Instagram reel. अच्छा, स्पेस है। ग्लोव बॉक्स का बटन अलग है क्या? उठाने का, मैग्नेटिक है। फेस मास्क सही है। अच्छा, हैंडल रेस्ट। यहाँ पे कितना खर्चा आएगा उसको लगाने का? जैसे आप इंटीरियर में अगर कुछ लगवाते हो तो उसमें आपको एक ऑप्शन है जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगा, एयर प्यूरीफायर मिलेगा, पडल लैंप मिलेंगे, वो साइड जो आता है साइड में लैंप लगे रहता है जो नाम लिखा है वो मिलेगा, 3D मैटिंग मिलेगी। ये इंटीरियर पूरा वो है क्या? हाँ, अलग अलग पैक बने हुए हैं। पैक बना हुआ है। हाँ, ये एक पैक हो गया। ऐसे आप जैसे चाहते हो कि आप मेरे को एक्सटीरियर में कुछ नया चाहिए तो उसमें नए अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, स्टिकरिंग हो जाती है बाहर में। इसमें अलॉय व्हील नहीं है? है इसमें अलॉय व्हील, और डायमंड कट अलॉय व्हील ऑलरेडी है इसमें, ऑलरेडी है। लेकिन उसके और आपको चाहिए नहीं, बोर हो गए एक्सटीरियर से, दूसरा चाहिए, साल दो साल बाद आदमी बोर हो जाता है, वो ऑप्शन है। मतलब इसमें आपको मॉडिफिकेशन के ऑप्शन इतने सारे बाय डिफॉल्ट कंपनी से ही मिल जा रहे हैं। हाँ, बढ़िया। मतलब बेसिक चीज होनी चाहिए यार, और इंजन जो है ना मेन, परफॉर्म रिफाइंड रहना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, वो बेटर रहता है। ऑफ रोड सस्पेंशन कैसा है? बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मतलब गाड़ी का सस्पेंशन अगर आप देखोगे तो सोनेट का स्टिफ था। हाँ। सोनेट या वेन्यू आप लोगे तो उसका स्टिफ सस्पेंशन है। हाँ। और रेनो जानी ही जाती है अपने राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी के कारण। यार देख लो आप, अपन ये चल रहे थे हाँ। इस टाइप पे अपना ब्रिज पे है एकदम, वो दर्शन नहीं आ रहा, जैसे झटका लगता था, झटके लगते हैं बाकी कारों में, उसमें नहीं लग रहा है। कनाल लिंकिंग रोड सिटी ड्राइव करते हैं, दिया है इतना बड़ा दे दिया है, मतलब बड़ी गाड़ियों में रहते हैं लग्जरी कार में, ऐसा लग रहा है एकदम लग्जरी, ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। अच्छा है, थोड़ा सा नौची है ये गियर पोजीशन,
लेकिन वो आदत की बात है, आदत की बात है। वो आपको क्या है जैसे हो, आप उससे कंपेयर कर रहे हो अपनी गाड़ी चला रहा हूँ उसके हिसाब से, तो ज़ेन स्टीलो का छोटा सा दिया हुआ है गियर, तो उसमें इसमें थोड़ा प्ले ज्यादा है गियर का। अभी चलाने में तो अच्छा लग रहा है, बहुत स्पेसियस है, लेग रूम बहुत अच्छा है पैर वैर के लिए, आगे पीछे दोनों साइड क्विड है ना ब्रो, लेकिन क्या करे ना टाइगर है यार ये टाइगर नहीं, दूर से वैसे दिखता है, हाँ जब पास में बैठो तो समझ में आता है कि बहुत ऊंचा कार है, बहुत ह्यूज लग रहा है ये, मेन से डैशबोर्ड इतना ह्यूज दिखता है ना, वैसे बैठा तो पूरा दिखता है सामने में। फिर बॉटम स्टीयरिंग है, क्रूज कंट्रोल नहीं है इसमें, टॉप मॉडल है एक्चुअली में, ये सिस्टम है ऑडियो, स्टीयरिंग माउंटेड है पूरा, सब मोड्स वगैरह यहीं से चेंज कर सकते हैं, प्ले पॉज, अच्छा यहीं से पॉज करना तो यहाँ टच करना पड़ेगा, देखो भाई साहब कैसे चल रहा है एक लेन में चलना चाहिए उसको स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हाँ ना, ये देखो, ये हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक लोग, गैर जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार हैं, इन्हीं से तो देश चल रहा है, इन्हीं से पुलिस वालों को काम मिलता है, गैर जिम्मेदार हुए ना तो नहीं, पुलिस वाले काम यही देते हैं ना, पुलिस वाले अंकल तो हेलमेट नहीं पहने, ये देखो मास्क बस जरूरी है, आज का एक और रिव्यू में एक चीज और दिख रही है, अरे अंकल हेलमेट का हेलमेट ये वायरल होना चाहिए भाई, हम यहाँ सीट बेल्ट पहन के बैठे हैं देखो सब, हाँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ की पुलिस गैर जिम्मेदार पुलिस, ये देखो इनकी भी गाड़ी में नंबर ही कैसा लिखा हुआ है, चला नहीं कटता गया है, कटता है ना, कोई भी कटेगा, साइलेंसर भी मॉडिफाइड है, डीजी का साइलेंसर है, देन नंबर प्लेट भी नहीं है, बहुत सारे चलान कट सकते हैं, हेलमेट नहीं पहने है, नंबर वो है, साइलेंसर मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड है, सब्जी लेके जा रहा है हैंडल में, चप्पल पहन के चला रहा है, चप्पल पहन के चला रहा है, ये तो पूरे इंडिया में सो मेनी थिंग्स, ट्रिपल सवारी, बीच में छोटा सा बच्चा भी है, ओहो ये नहीं करना चाहिए। तो अभी आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से मोड है, इसमें नॉर्मल मोड है, इको मोड है और स्पोर्ट्स मोड है, अभी तो नॉर्मल मोड में चल रहा है, तो मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए नॉर्मल मोड में ब्लू कलर का ब्लिंक ब्लिंक हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे चेंज करते हैं भैया इको मोड में तो थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिखाएगा, और थोड़ा सा इसका जो रहता है परफॉर्मेंस तो थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि इको मोड है पूरा, मतलब सारे एवरेज एवरेज को देखते हुए स्लो चलेगा, एक्सलेट कम हो जाएगा, और लेकिन जैसे ही अपन इसको स्पोर्ट्स मोड में लेके जाएंगे और सेम एक्सलेट किया हूँ, और देखो कैसे बढ़ जाएगा, और ये रेड रेड कलर का पूरा आ जाएगा साइन, तो ये सब इसमें सिस्टम है, ये टॉप विंड वेरियंट है, लेकिन फिर भी इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, इसमें नहीं दिया है क्रूज कंट्रोल, इसी की जो इसका जो भाई है निसान मैग्नाइट उसमें दिया है क्रूज कंट्रोल, और 360 डिग्री कंपेयर करते हैं इसका, और 360 डिग्री वो भी दिया है उसमें पावर कैमरा, मैं वो लेने वाला था लेकिन निसान की सर्विस के कारण मैं नहीं लिया, वरना वो कार मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी थी शुरू में, बट फिर उसका रिव्यू देखा कि एक तो निसान की रीसेल नहीं है एज कम्पेयर टू रेनो, अगर आप देखोगे ना तो निसान का रीसेल थोड़ा कम आता है, और दूसरा रेनो की सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा जगह पे रेनो की सर्विस मिल जाती है, शोरूम ज़्यादा है, शोरूम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू निसान, तो फिर मैं इसलिए रेनो ले लिया, जबकि गाड़ी दोनों सेम है, जैसे किया सोनेट और हुंडई वेन्यू है ना, सेम निसान मैग्नाइट और ये है, वो भी सेम इंजन, सेम प्लेटफॉर्म, सेम टच स्क्रीन, एवरीथिंग सेम, बस ये वाला MID यूनिट जो है उसका थोड़ा ज्यादा फंकी है, फीचर्स लोडेड होंगे, फीचर उसमें थोड़े से ज्यादा है, नहीं मतलब अगर इसके कंपैरिजन में देखो तो इसमें ज्यादा क्या क्रूज कंट्रोल होगा, एक क्रूज कंट्रोल है, हाँ क्रूज, एयर प्यूरिफायर का ऑप्शन नहीं, वो तो इसमें भी है, एयर प्यूरिफायर का ऑप्शन इसमें भी है, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं वो सेफ्टी फीचर ज़्यादा है, जैसे उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, ESC आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल, और वो सब फीचर्स थोड़े उसमें ज़्यादा है, इसमें चार एयर बैग है, उसमें दो ही एयर बैग आते हैं, इसमें चार एयर बैग है, उसमें सिंगल ग्लव बॉक्स आता है, इसमें डबल आ जाता है विद कूलिंग, हाँ तो वो सब है, तो दो तीन चीज़ें कम ज़्यादा, मतलब स्पेस इसमें भर भर के है, अच्छा है,
दोनों का प्लेटफॉर्म सेम है लेकिन उसका बूट स्पेस कम है इससे। अच्छा, ये कैसे हुआ लॉजिक मुझे समझा नहीं, बट हुआ है ऐसा। उसका 332 लीटर है, इसका 400 लीटर है। गाड़ी रोकते हैं कहीं पे तो आपको वॉक अराउंड थोड़ा सा दिखाते हैं छांव में। इसका सबसे अच्छा फीचर पता है क्या है? क्या? उतरोगे तो बताऊंगा। चलो, इसका सबसे अच्छा फीचर है लॉक ऑटोमेटिक। ओके, ऑटोमेटिकली हो जाता है लॉक, जैसे पास जाओगे ऑटोमेटिकली खुल जाती है। हाँ, देखो साइड से प्रोफाइल देखो कैसा दिख रहा है इसका, एकदम मतलब अगर एकदम पास से देखोगे क्लोजली तो लगेगा ये थोड़ा सा, या दूर से देखोगे तो लगेगा क्विड है, लेकिन ये काइगर है। थोड़ा सा सस्पेंशन राइज किया है, अलॉय व्हील साइज बड़ा है, 16 इंच का है ना, डायमंड कट अलॉय व्हील आता है। और इसका विड्थ कितना होगा? 195/60 R16 89 H, मतलब अच्छा है इसमें, मतलब हाई रेटिंग दिया है जो टायर वायर का रहता है। बाकी इस तरह का ग्रिल सामने देख सकते हो, फ्रंट ग्रिल छोटा सा एकदम। इसमें LED लैंप यहाँ पे दिया, DRL है क्या? DRL है। और ये हेडलाइट है, इसका हेडलाइट प्योर विजन LED है, प्योर विजन LED हेडलाइट। अच्छी लाइट थोड़ा अच्छा ना रात में इसका। तो ये यहाँ पे देखिए बोनट खुलता हुआ, लॉक हो गया इसी दरवाजे में, थोड़ा लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे एक इंसुलेशन भी दिया है जिससे कैबिन नॉइज बहुत कम आता है। और ये इसका इंजन देखो, लगभग 100 PS पावर डायरेक्ट करता है, 160 का टॉर्क, मीटर टॉर्क, 1.0 पेट्रोल टर्बो इंजन। इसमें ये लाइट है, LED इंडिकेटर लाइट, अच्छा दिख रहा है। मतलब ये सेगमेंट में जो अभी निसान मैग्नाइट बोलते हैं ना, वो आई हुई है उसके कंपैरिजन में है। वैसे सोनेट और वेन्यू से भी कंपेयर कर सकते हो, 1.0 जो पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन रहता है, टर्बो इंजन, उससे भी पेट्रोल टर्बो इंजन से सबसे कंपेरेबल है आपका निसान मैग्नाइट हो गया, काइगर अपना, सोनेट हो गई, वेन्यू हो गई, विटारा ब्रिजा, नेक्सॉन, सबसे मतलब कॉम्पैक्ट SUV जो है इसका सेगमेंट है। 10 कार होगी टोटल कॉम्पैक्ट SUV में। इसको बोलते हैं रूफ रेल है, और रूफ रेल है, 50 किलो तक लोड ले सकते हो। ओके, सिर्फ दिखाने का रहता है। अच्छा, इसमें आप इसका मिलता है आपको एक्सेसरीज में जो सामान रखने का, 50 किलो तक का सामान भी लोड कर सकते हैं। पीछे ये दिया है डिफॉगर भी दिया है वाइपर के साथ। यहाँ पे जैसे लॉयन आजकल, ये किसमें क्या है, रेनॉल्ट का है आजकल, इसमें भी बनता है टाटा की गाड़ियों में लॉयन वॉयन का निशान बनता है। यहाँ पे पीछे बेजिंग टाइगर का, और पीछे से ऐसे लगता है मस्कुलर है, और एकदम जो ग्राउंड क्लियरेंस दिखता है ना अलग से दूर में, मतलब कॉम्पैक्ट SUV में एक होना चाहिए वो चीज़ इसमें शो होता है। उसका अभी बूट स्पेस खोल के देखते हैं, वॉशिंग वाला सब, बूट स्पेस काफ़ी डिसेंट है नीचे तक है, और इसमें व्हील है नीचे, नीचे दिया हुआ है। तो इसमें भी लगभग कितना होगा बूट स्पेस? 400 लीटर का बूट स्पेस है। मतलब एक जो कॉम्पैक्ट SUV अगर फैमिली को लेना है, 5 लोग जाते हैं 4 लोग जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। एवरेज भी लगभग 18 देती होगी। इसका कंपनी क्लेम कर रही है, मुझे तो अभी 11 का निकल रहा है, 11 निकल रहा है वो सर्विस के बाद। 500 किलोमीटर ही चली है, तो जब सर्विस होगी तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। तो ये गाड़ी का डिज़ाइन भी, ओवरऑल डिज़ाइन एक बार मैं वॉक अराउंड करके और थोड़ा सा घुमा देता हूँ, इस तरह से दिखता है ये। ज़्यादा धूप हो गया है, यही सब बेसिक जानकारी। भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू ब्रो चाबी। अपने ये की रिंग है, देखो की है इस तरह से, लॉक अनलॉक, बूट स्पेस भी यही खुलता है, बैटिंग का दिया है, तो ये इस तरह से की रहता है। रेनॉल्ट का पीछे बेजिंग है, सामने बटन्स है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पूरा मोबाइल इसमें शो होगा। थोड़ा सा इसमें जैसे सीट बेल्ट लगाते हैं तो ये जो जगह है ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ा है, इस वजह से क्या थोड़ा ऐसे स्टिक करने में दिक्कत आता है। बाकी पीछे अच्छा था, पीछे मैंने पहले बैठा था, सबसे अच्छा सीट तो मुझे पीछे का लगा, कंफर्टेबली। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए, इसमें अच्छा सा थाई सपोर्ट भी मिल रहा था, और लेग रूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था। मतलब सामने बैठा था आदमी उसके बाद भी, और सामने भी अच्छा खासा लेग रूम है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इधर पैर इसके कारण थोड़ा सा वो लग रहा है, छोटा लग लेग स्पेस कम लग रहा है, बाकी ठीक है। और इसमें कफ होल्डर दिए हैं, 2 कफ आ जाएंगे, मतलब बॉटल आ जाएंगे। अच्छा स्पीकर है, 2 ग्लव बॉक्स है, वैनिटी मिरर है, इधर भी है उधर भी है,
और ये लाइट्स हेलोजन ही टाइप का है, ये येलो कलर का, वो बाद में चेंज करा लेना। इधर पीछे भी दिया है लाइट, रास्ता कहाँ जाते हैं। ग्रैब रेड हैंडल यहाँ पे, पीछे ग्रैब रेड हैंडल है लेकिन इसमें उसे लटकाने वाला नहीं है, रतन हुक कोट सूट वालों के लिए। वो गूगल मैप भी देखो इनबिल्ट है, और ये वॉइस कमांड कंट्रोल होता है। कहाँ से? इधर से। ये दिया है, ये दबाया। कॉल माय गर्लफ्रेंड, शादी के बाद गर्लफ्रेंड है इसका। देखो देखो कॉल किसका लग रहा है, लेकिन किसको लग रहा है भाई? दिक्कत होता सही है। कुछ नहीं, ऐसे लगाया ना, क्या कर रहे हो? वो फोक्सवैगन में आते हैं, फोक्सवैगन। इसका डायमेंशन वगैरह क्या है? 3995 mm व्हील बेस, लंबाई नहीं, लंबाई व्हील बेस 3995 mm। फॉर्च्यूनर है क्या? फॉर्च्यूनर का हो गया तो क्या लंबाई तो 4 meters अंडर 4 meters, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी हो गई। ग्राउंड क्लीयरेंस 205 mm, 16 इंच के चक्के हैं। ग्राउंड क्लीयरेंस 205, भाई साहब देख रहे हो, मतलब और क्या चाहिए यार। नेक्सॉन के बाद सेकंड नंबर का एसी का, नेक्सॉन का 209 mm है। यहां पे तो काटते ही है ना, खुद ना दुपट्टा लपटाए हैं। हाँ, दुपट्टा लपटा के रखते हैं, देखो यहाँ पे। और पुलिस वाले भी देखते रहते हैं, मुख बधिर बनके। इनको बोलना भी है, मुख बधिर का अस्पताल में जगह खाली, आपको एडमिट करा दूंगा। बोलेंगे क्यों नहीं, आप यहाँ कर रहे हो, कांड हो रहे हैं, और आप बोलना यहाँ पे समझ नहीं आ रहे, खड़े मुख बधिर बनके। अच्छा लगा गाड़ी का रिव्यू करके, आप लोगों को कैसा लगा बताओ कमेंट तो, करके। और ऐसे रिव्यूज चाहिए तो अपन ऐसे रिव्यू करते हैं भाई, मतलब दोस्ती आ रही है तो बातचीत में, मतलब और ऐसे रिव्यूज चाहिए तो और बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ईमेल आईडी है मेरा नीचे, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। अपनी गाड़ी का रिव्यू कराना है, कोई नया गाड़ी लेते हैं तो उसमें अपन आ सकते हैं, इन्वाइट करोगे तो बकर करेंगे आके, गाड़ी का रिव्यू हो जाएगा, आपका डिलीवरी का वीडियो भी बन जाएगा, हमारा चैनल भी चल जाएगा। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और ऐसी तड़क भड़क ब्लॉग में और गाड़ी के रिव्यू में, है ना भाई? हाँ ब्रो, पक्का पक्का। जल्दी जल्दी से और ऐसे रिव्यूज बनाने का आपको मौका मिले, बस मौका मिले, जल्दी जल्दी ऐसी और नई नई कार खरीदते हैं, जल्दी जल्दी बस अपना भी गाड़ी आ जाए, जल्दी 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 अपने ग्रुप में और गाड़ी जोड़ते जाए। बाय।